नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो पूर्ण विराम। आज पूर्ण विराम में हम बात करेंगे उस सियासी हलचल की जो इमरान मसूद के हाथी पर सवारी करने के बाद शुरू हुई है। इमरान मसूद के इस कदम को समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का हाथ छोड़कर साइकिल की सवारी मसूद ने की थी। हालांकि समाजवादी पार्टी में मसूद को न ज़्यादा तवज्जो मिला और न टिकट, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी दिशा बदलने की तैयारी कर ली और बसपा में शामिल हो गए। बसपा में जाते ही मसूद और मायावती की एक तस्वीर सामने आई, जिससे मसूद का बसपा में राजनैतिक भविष्य माना जा रहा है कि क्या होगा। और वो तस्वीर है कि बसपा प्रमुख मायावती अपने तहे दिल से आशीर्वाद देते हुए दिख रही हैं मसूद को, उनके सर पर हाथ रखकर। मसूद चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ खड़े तो हो गए थे, लेकिन सपा की साइकिल पर वो सिर्फ लटके हुए थे। और जब लंबे इंतजार के बाद भी कोई सीट नहीं मिली तो आखिरकार हाथी पर सवार हो गए। एक ही चीज दिखाई देना चाहिए, हाथी की चाल के अंदर सब रल गए। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोहियावाद से काशीराम के अनुयायी बन जाने की तस्वीर, ये समाजवाद से बहुजन समाज के विचारों में प्रवाहित हो जाने का नजारा है। ये सियासत का वो दृश्य है जो बताता है यहाँ हर चीज संभव है, क्योंकि यही वो इमरान मसूद थे जो कहते थे, देखिए बसपा को मैं पार्टी नहीं मानता कि बसपा कोई राजनीतिक दल है, वो तो एक गिरोह है पैसे लूटने वालों का। राजनीतिक रूप से पैसा लूटना कहूंगा मैं इसे, अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। जिस तरह से यहाँ टिकटों को बेचा जाता है और जिस तरह से विचारधारा की नीलामी होती है, आपकी जेब में पैसा है आपको बसपा का टिकट मिल जाएगा, इतना वोट आपको मिल जाएगा। दलित के खिलाफ आपने चाहे कुछ कह रखा हो उसके कोई मायने नहीं। दरअसल पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटर पर पकड़ का दावा करने वाले इमरान मसूद ने सपा में शामिल होने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। पहले कांग्रेस में मिला हुआ बड़ा ओहदा छोड़ा, फिर विधानसभा चुनाव में टिकट की उम्मीद छोड़ी और आखिर में सम्मान का अरमान भी छोड़ा। जब कुछ पास नहीं बचा तो मसूद मायावती के दर पर पहुँच गए। बदकिस्मती से तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो नतीजे नहीं आए। उनके पीछे क्या कारण रहे क्या नहीं क्या उनके ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो नतीजे नहीं आए। मुझे समझ में आया कि बहुजन समाज पार्टी कैडराइज पार्टी है जो इसका वोट बैंक है, अगर हम लोग मजबूती के साथ इसको मजबूत करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक मजबूत विकल्प हम लोग बनने का काम करेंगे। इमरान मसूद भी उन नेताओं की लिस्ट में थे जिन्हें लगता था कि 2022 में यूपी में सपा की सरकार आ जाएगी, लेकिन ये भ्रम टूटा तो रास्ते बदल दिए। सियासत के अखाड़े में कमजोर पड़े इमरान मसूद खुद चलकर बसपा के दफ्तर पहुंचे, मायावती के साथ मुस्कुराती तस्वीर खिंचवाई। इमरान को बसपा की जरूरत थी और बसपा को इमरान जैसे नेताओं की। मायावती बिल्कुल परेशान है, उनका कोर वोटर छिटक चुका है, जो दलित वोटर था उसमें भी सेंध लगाती भारतीय जनता पार्टी ने, और मुस्लिमों को उन पर विश्वास नहीं है। असल में वो इमरान मसूद को ले आए, पूरब में गुड्डू जमाली को नेता बना दें और मुस्लिम उनसे छिटके हैं, लेकिन उन्हें सबसे पहले यह विश्वास दिला।
सीजन से चलती है और तमाम लोग उतरते रहते हैं और चढ़ते रहते हैं। ऐसे कितने इमरान उतरे हैं, कितने इमरान चढ़ेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले भी नहीं थे समाजवादी पार्टी में, वो उनके बिना ही समाजवादी पार्टी लड़ती आई है, वो ज़माने ख़त्म हो गए। और अखिलेश यादव वो शख्सियत हैं जिसके कंधे पर हाथ रख देंगे, सैकड़ों इमरान मसूद बना देंगे। सपा भले ही सैकड़ों इमरान को खड़ा करने की बात कहे, लेकिन ये सच है कि इमरान मसूद की पहचान पश्चिमी यूपी में बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर है। लेकिन इतिहास बताता है कि 2007 के बाद से उन्होंने 3 चुनाव लड़े और तीनों में ही हार मिली। ऐसा लग रहा था कि इमरान लौटकर सपा में चले गए हैं तो लंबा टिकेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दरअसल शुरुआती दौर में इमरान सपा में ही थे। 2007 में पहली बार निर्दलीय लड़कर विधानसभा बने, उसके बाद 2012 में कांग्रेस का हाथ थमा और कांग्रेस ने उन्हें कई बड़े पदों पर बैठाया, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले वो सपा में चले गए। अब जब वो बसपा में आए हैं और न केवल मायावती जी ने उनकी काफ़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है, बल्कि ये उम्मीद भी की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी वजह से पार्टी को एक मजबूती मिलेगी, तो उससे लगता है कि अब ये इमरान मसूद के लिए मौका है कि अपनी पहचान और अपने महत्व को, जो इसके पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में वे ठीक से नहीं स्थापित कर पाए थे, ऐसा करने की वो कोशिश करेंगे। न तो सपा सत्ता तक पहुंच पाई और न ही इमरान मसूद का सपना पूरा हुआ। नतीजा ये है कि इमरान हाशिए पर चले गए। दर्द तो इमरान के दिल में पहले भी बहुत था, क्योंकि चुनाव से पहले टिकट न मिलने पर भी इमरान का दर्द एक बार झलका हुआ था। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे, सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता मार दिया। चुनाव से पहले भी चर्चा थी कि इमरान मसूद बसपा में चले जाएंगे, लेकिन तब सपा के सुधरते भविष्य की उम्मीद ने उनके कदम रोक। अब इमरान मसूद उसी बसपा में चले गए हैं जिसमें उनके भाई नुमान मसूद हैं। कुछ दिनों में निकाय चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव, ऐसे में इमरान मसूद का सपा छोड़कर जाना अखिलेश को परेशान कर सकता है। हालांकि सपा कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान मसूद के बसपा में आते ही पश्चिम की सियासत में हलचल पैदा हो गई, क्योंकि इसके पीछे मायावती की एक बड़ी रणनीति जान पड़ती है और मसूद को उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल 22 के रिजल्ट निकलने के साथ ही मायावती मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में लग गई और इसकी रणनीति में उन्होंने पूर्वांचल में अपना पहला लिटमस टेस्ट किया, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल साबित हुए। मसूद को बसपा में शामिल कर पश्चिम में अपनी उसी रणनीति को वो आगे बढ़ा रही है। मायावती ने इमरान मसूद के सिर पर हाथ रखा तो पश्चिमी यूपी की सियासत हलचल तेज हो गई। दरअसल बसपा सुप्रीमो ने तो पश्चिमी यूपी के उन तमाम मुस्लिमों के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की है जिनका 2007 के बाद से ही बसपा से मोह भंग हो चुका है, और मायावती एक बार फिर उसी समाज को अपने साथ लाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन क्या ऐसा करना इतना आसान है? ये आसान लगता है लेकिन आसान है नहीं, क्योंकि अभी तक जो मुस्लिम जनमानस है उसको ये यकीन नहीं हो पाता कि मायावती दलित वोटों के साथ कोई और वोट ला पाएंगी ताकि वो उसे वोट दें। उससे भी पहले जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि क्या मायावती को वोट देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना तो नहीं है? उनके मन में ये आ रहा है। प्रदेश का मुसलमान ये जानता है कि जब जब मुसलमान पर बुरा वक्त पड़ा उस वक्त बसपा ने उससे हाथ धो लिए और बसपा उससे पीछे हट गई। चाहे वो 3 तलाक का कानून आ रहा हो पार्लियामेंट में, उस वक्त बसपा कहाँ थी? चाहे CAA आया हो, उसकी मुखालफत क्यों नहीं करी? 370 की बात हुई, उसकी मुखालफत क्यों नहीं करी? तो जब ज़रूरत पड़ी मुसलमान को बसपा की तो बसपा ने पीठ दिखाई, और जब इलेक्शन आए तो मुसलमान की बात करने लगी। ये राजनीति अच्छी राजनीति नहीं है। चाल के अंदर सब रल गए, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
मुसलमान की छाती पे मार जाएंगे हमसे। इमरान मसूद का सपा छोड़कर बसपा के साथ चले जाना सिर्फ सहारनपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी लकीर तो पूरे पश्चिमी यूपी में खींचने की कोशिश है, क्योंकि मायावती पिछले काफी दिनों से मुस्लिम मोर्चे पर काम कर रही हैं। और जितनी जरूरत इमरान मसूद को मायावती की थी, उतनी ही मायावती को इमरान मसूद की। दोनों ही तरफ से ये जरूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि मायावती को बसपा के लिए एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी विकसित करने की ज़रूरत है, क्योंकि दलितों के साथ साथ वे चाहेंगी कि मुस्लिम समुदाय में भी उनकी वही पैठ बने जैसे कुछ सालों पहले हुआ करती थी। और धीरे धीरे अपना आधार खोती जा रही पार्टी को कम से कम दो एक मजबूत ऐसे नाम मिलें जिसके दम पे वे मुस्लिम समुदाय को अपने से जोड़ सकें। मायावती ने सपा की साइकिल से दो मुस्लिम नेताओं को नीचे उतारा, पहले हैं इमरान मसूद और दूसरे हैं सपा में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे काजी शायान मसूद, जो बसपा दफ्तर से बाहर आई तस्वीर में दिखाई दी। ये पहली बार था जब मायावती किसी नेता को बसपा में शामिल कराया और उसकी तस्वीर सार्वजनिक करवाई, यानी बसपा का इशारा सीधे सीधे सपा को है कि लड़ाई अब खुलकर होने वाली है। मुसलमान अगर एहसान फरामोश नहीं है, अगर किसी ने कोई मदद की है मुसलमान की तो समाजवादी पार्टी ने की है, चाहे नौकरी देने में मदद की हो, चाहे कोई भी विषय रहा हो, सम्मान का मामला हो, इज्जत का मामला रहा हो, और मान सम्मान जो समाजवादी पार्टी की सरकारों में उन्हें माइनॉरिटी के और मुसलमानों को मिला है किसी सरकार में नहीं मिला, सिर्फ अपमानित हुए हैं। और आज दहशत और खौफ में मुसलमान जी रहा है, डर के साए में जी रहा है। मायावती जिस प्लान पर काम कर रही वो पानी की तरह साफ है, क्योंकि पूर्वांचल हो या पश्चिमी यूपी, मायावती की नजर सीधे सीधे उस मुस्लिम वोट बैंक पर है जो सपा के साथ जुड़ गया है। इसकी झलक विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार दिखाई दे रही। आजमगढ़ उपचुनाव में बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था, नतीजा ये हुआ कि बसपा प्रत्याशी के चलते सपा अपने गढ़ में हार गई। मायावती कई बार कह चुकी हैं कि विशेष समुदाय को गुमराह नहीं होने देंगे। मदरसे के सर्वे के आदेश पर भी मायावती ने सरकार पर हमला किया था, और PFI नाम के संगठन पर जब कार्रवाई हुई तब भी मायावती मुखर दिखी। धीरे धीरे चूंकि बहुजन समाज पार्टी अपने मुद्दों से, अपने मिशन से, अपने उद्देश्यों से दूर हुई है, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ जनों का बसपा से पलायन हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश में आज बहुजन समाज पार्टी केवल एक MLA वाली पार्टी ही बची है, जिस पार्टी ने 206 MLA जीतकर 2007 में बहुमत की सरकार बनाई थी। मायावती के समीकरण बिगड़ते गए और बसपा हाशिए पर जाती गई। 2007 के बाद जो ढलान शुरू हुई वो आज तक बरकरार है, और अब मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर मायावती फिर से वो प्रयोग करने की राह पर हैं जैसी 2007 में की थी। और ये भी साफ है कि मायावती इस रणनीति से अपना घर बना पाए या ना बना पाए, लेकिन सपा का घर जरूर तोड़ने की कोशिश करेंगी, जैसा उन्होंने आजमगढ़ में करके दिखाया। मायावती ने तभी ठान लिया था जब विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने एकजुट होकर सपा को वोट किया। हम चुनाव लड़ते हैं तो उनके कैंडिडेट इस हिसाब से खड़े होते हैं कि हम कैसे हारे, सपा कैसे हारे या कांग्रेस कैसे हारे। वो कैंडिडेट ऐसे लेके आती हैं जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा मुसलमान को दे देंगी, जहां पे यादव क्षेत्र होगा यादव को दे देंगी। सिर्फ वो भाजपा से नहीं लड़ती, वो सपा से लड़ती हैं, सपा को हराने के लिए। यानी सपा को बसपा की रणनीति समझ आ चुकी है और इसकी काट की तैयारी भी हो रही। ऐसा भी नहीं है कि ये खेल पर्दे के पीछे चल रहा। मायावती खुलकर अब मुस्लिमों का जिक्र करती हैं और उन्हें रिझाने की कोशिश करती हैं। इमरान मसूद को पार्टी में शामिल कराने के बाद उन्होंने ट्वीट किया। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के बाद और अब स्थानीय निकाय चुनाव से पहले इमरान मसूद और अन्य लोगों का बसपा में शामिल होना यूपी की राजनीति के लिए इस मायने में शुभ संकेत है कि मुस्लिम समाज को भी यकीन है कि भाजपा की द्वेषपूर्ण और क्रूर राजनीति से मुक्ति के लिए सपा नहीं बल्कि बसपा ही जरूरी है। इमरान मसूद को लेकर मायावती का प्लान बहुत बड़ा है, तभी तो पार्टी में शामिल कराते ही उन्हें पश्चिमी यूपी का संयोजक बना दिया गया, जो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे। इसके अलावा इमरान को बसपा ने अकलियत समाज को पार्टी के साथ जुड़ने की जिम्मेदारी भी सौंपी है, लेकिन इमरान
इस परीक्षा में कितने कारगर होंगे और मायावती के सपने को कितना पूरा कर पाएंगे, इसके नतीजे निकाय चुनाव के नतीजों में ही साफ दिखने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सवाल उठता है कि इमरान मसूद कितने बड़े नेता हैं? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी वो अपना कोई वजूद रखते हैं, या बदलते वक्त के साथ उनका सियासी कद घट गया? जब वो समाजवादी पार्टी में गए तो अखिलेश यादव ने भी उन पर कोई ज्यादा भरोसा नहीं किया और न ही उन्हें टिकट दिया। तो ऐसे में जब वो बसपा में आए हैं तो क्या बसपा के लिए वो कितने कारगर होंगे, ये भी सवाल खड़ा होता है। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि इमरान मसूद को बसपा की ज़रूरत थी या बसपा को इमरान मसूद जैसे नेताओं की ज़रूरत है। बसपा को इमरान मसूद की कितनी जरूरत है, इसकी गवाह पार्टी मुख्यालय पर हुई संगठन वाली बैठक की ये तस्वीरें हैं। इमरान मसूद जब पहली बार संगठन की बैठक में पहुंचे तो उनकी कुर्सी पहली कतार में लगी थी। प्रदेश भर से जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर इमरान मसूद साहब यहाँ पर सामने नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश भर से जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, इसके अलावा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, जो सेक्टर प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर बसपा ने भी कमर कस ली है। चुनाव की रणनीति पर मंथन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को प्रदेश स्तरीय बड़ी बैठक की और बैठक में एक बार फिर मायावती का मुस्लिम एजेंडा दिखा, क्योंकि इमरान मसूद हो या गुड्डू जमाली, दोनों ही अगली कतार में बैठे नजर आए। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, वही निर्देश बहन जी ने दिए हैं और उन निर्देश के पालन करना सभी कार्यकर्ताओं का और सभी नेताओं का था। वो मुस्लिमों का भी दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रही हैं और वो पुराना मैसेज इकट्ठा करना चाह रही हैं। जब वो 2007 में जीती थी तो एक एंटी वेव थी सत्ता के प्रतिष्ठान के विपरीत। वो जो वेव थी उस वेव में सारे समाज का वोट उन्हें मिला था, तब वो बहुमत हासिल कर पाई थी, और अभी ऐसा सोचना बड़ी दूर की कौड़ी लगता है। मायावती नए मुस्लिम चेहरों के सहारे पुरानी तस्वीर बनाना चाहती हैं, क्योंकि जो पुराने मुस्लिम नेता थे वो पार्टी से दूर हैं और यही वजह है कि बसपा का मुस्लिम वोट बैंक भी पूरी तरह से अलग हो चुका है। मुझे याद पड़ता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब मजबूत नेता के तौर पे बसपा में स्थापित थे, तब बसपा ने काफ़ी हद तक मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग को अपने साथ किया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्व के भी कुछ ज़िलों में मुस्लिम कैंडिडेट्स ने अच्छी जीत पाई थी। तो मुझे लगता है कि जो जनाधार बसपा खो चुकी है उसको फिर से पाने के लिए उनके पास दलित समुदाय के अलावा मुस्लिम समुदाय ही एक ऐसा वर्ग बसता है जिसे वे अपने तरफ करने की पूरी कोशिश करेंगी। मायावती को पुराने दिनों की तलाश है और जहां नजर दौड़ाइए बसपा के दफ्तर के पास या तो दलित नेता दिखाई देते हैं या फिर मुसलमान। सभी समाज बसपा को वोट देने का काम करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ जहाँ तक मुझे उम्मीद है पूरा मुस्लिम जुड़ चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में, और हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। कमरुल हुदा, बैठक में आए थे आप? हाँ, बैठक में हम लोग आए, हम लोग सिंघाई से आए लखीमपुर। अच्छा। जी, क्या पद है आपके? अभी पद तो नहीं है, हम लोग सदस्यता लेंगे बीएसपी का। सिर्फ नेता ही दलित मुस्लिम नहीं है, दूसरे समाज से आने वाले नेताओं की जुबान पर भी सिर्फ तीन शब्द हैं, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक, जो बताता है कि मायावती का मिशन क्या है। बहन कुमारी मायावती जी, हम दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने काम कर रही है और हमेशा करती रहेगी। हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सम्मान करते हुए उन्होंने हमें आदेशित किया कि आज आपको लखनऊ आना है, तो हम सब लोग यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं पूरे यूपी के, सभी को बहन जी ने आदेश कर यहाँ बुलाने काम किया है। मायावती का एक सूत्रीय एजेंडा फिलहाल मुसलमान है और इसके लिए उन्होंने पूर्व में गुड्डू जमाली तो पश्चिम में इमरान मसूद को काम पर लगा दिया है। नहीं नहीं, पूरे प्रदेश के लिए, अभी पूरे प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए बहन जी ने सभी लोगों की जिम्मेदारी लगाई है, मेरी भी जिम्मेदारी लगाई है। जहाँ मेरी जिम्मेदारी लगाई है मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊं। संगठनात्मक बदलाव भी? नहीं नहीं, ऐसा वो तो बहन जी के हाथ में, जो बहन जी कहेंगी हमें तो उसका पालन करना है। मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक ऐसी कोशिश है जो पहले भी सफल हुई है
और उनकी अपनी रणनीतिक विफलताओं की वजह से मुस्लिम समुदाय उनसे दूर गया, और अब अगर वो उस समुदाय को फिर अपनी तरफ लाना चाहती हैं तो केवल एक दो नेताओं को अपने साथ लाना ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उन्हें ये मैसेज समुदाय के लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी होगा कि हाँ वाकई में वे उनके हितैषी हैं और वो ऐसा हर संभव प्रयास करेंगी कि मुस्लिम समुदाय की आवाज़ राजनीतिक तौर पर और मजबूत हो। लड़ाई मुस्लिमों की है और निशाने पर समाजवादी पार्टी, लेकिन सपा की भी पूरी कोशिश है कि मायावती पर पलटवार किया जाए। इसके लिए सपा के पास सबसे मजबूत हथियार है बसपा को भाजपा से मिला हुआ बताना। उदाहरण के तौर पर सपा के नेता कई बातें गिनाते हैं। जो अभी चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें टोटल 7 बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी का दिया। मायावती घर से नहीं निकली और वहीं से कह दिया कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए जो जीत रहा उसको दे दीजिए। अब लड़ाई तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में थी, तो बीजेपी को सपोर्ट उन्होंने किया है, सब लोग जानते हैं। चाहे आजमगढ़ का चुनाव हो, चाहे आपका रामपुर का चुनाव हो, सब टोटल बीजेपी को सपोर्ट मायावती ने किया है और आगे भी। वो तो एक आधुनिक जेल है जहाँ वो रह रही हैं, बाहर नहीं निकल सकती जब तक बीजेपी की इजाज़त ना हो। सपा के सामने अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने की चुनौती है, तो बसपा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा। अब पास कौन होगा ये वक्त बता देगा। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मायावती का पूरा जोर मुस्लिम वोट बैंक पर है। मायावती की रणनीति की शुरुआत दलित वोटर से शुरू होती है और मुस्लिम वोट बैंक पर आकर खत्म होती है। इसमें दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या इसके जरिए मायावती 2007 के अपने जिताऊ समीकरण को जिंदा करना चाहती हैं, या फिर उनका इकलौता लक्ष्य सपा को हराना है, क्योंकि मायावती ने अपनी रणनीति से सपा को उनके अपने गढ़ आजमगढ़ में पटकनी दे दी। आजमगढ़ का उपचुनाव तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब 2024 के चुनाव में दिखाई देगी, क्योंकि मायावती ने सपा की कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है। दरअसल यादव और मुसलमान ही सपा की साइकिल के दो पहिए हैं और मायावती इसमें से मुसलमान वाला पहिया निकालने की पूरी कोशिश में है। मायावती ने इस समय मुस्लिम कार्ड खेलना इसलिए शुरू किया कि कहीं एक हवा व्याप्त है, एक हवा है कि मुस्लिम कहीं सपा से छिटक रहे हैं। तरह तरह के बयान आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने कलेजा खोल के वोट दिया, पर वो सपा उसके लिए कुछ कर नहीं पाई, सत्ता उसे हासिल नहीं हो पाई। उधर आजम खां के मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाए, शहजील इस्लाम जो बरेली के विधायक थे उनका पेट्रोल पंप तोड़ा गया और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश का कोई बोला नहीं। तो मुस्लिमों की इस बेचैनी का लाभ उठा के वो मुस्लिमों में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, पर ये आसान नहीं है। मायावती ने जब पार्टी दफ्तर पर एक दिन का सम्मेलन किया तो उसमें कार्यकर्ताओं को मजबूती से चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा पार्टी के जनाधार को बढ़ाया जाए, भाजपा का सही और सार्थक विकल्प बनना होगा। छोटी छोटी कैडर मीटिंग करने के लिए मायावती ने कहा, साथ ही महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से जनता के त्रस्त होने की बात कही, साथ ही हिंसा, तनाव और अव्यवस्था बढ़ने की भी बात कही। मुझे लगता है कि मायावती के लिए ये जरूरी हो जाएगा कि वे न केवल दलित समुदाय को ये संकेत दें कि हाँ वो उनकी हितैषी अभी भी वैसी हैं जैसे पहले थी, बल्कि मुस्लिम समुदाय को भी ये संकेत दें कि वे उस तरह से भाजपा के करीब नहीं हैं जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, और ये दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाए रखना ये एक चुनौती तो है ही। पार्टी कार्यालय पर हुई इस बैठक में जोनल कोऑर्डिनेटर से लेकर सेक्टर प्रभारी और जिला अध्यक्ष से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक पहुँचे थे। निकाय चुनाव के लिए मायावती ने निर्देश दिए और भाजपा के खिलाफ मुखर न होने का जो आरोप उन पर लगता है उसे भी मिटाने की कोशिश की। उन्होंने कहा आरएसएस जनसंख्या नियंत्रण का बेसुरा राग अलाप रहा, सरकार की विफलता से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही, भाजपा की सोची समझी रणनीति से सावधान रहना होगा, यूपी में सरकारी जुल्म ज्यादती बढ़ रही है, घोर मनमानी से कानून व्यवस्था की हालत बदतर है। लेकिन क्या मायावती का इतना कह भर देना उनके
की छवि को सुधार देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात जनता के बीच पहुंची है कि मायावती मुखर होकर विपक्ष की भूमिका नहीं निभाती और चुनाव में जब टिकट बंटवारे की बात आती है तब भी कई सवाल खड़े होते हैं। जहां भी उन्होंने कैंडिडेट खड़े करे 2022 के चुनाव में, उससे ये स्पष्ट हुआ कि वो अपनी जीत के बजाय समाजवादी पार्टी की हार के लिए ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव ने इस बात को साबित भी कर दिया। इसीलिए बार बार उन पर यह आरोप लगता है कि वो विपक्षी एकता की राह में रोड़े अटकाती हैं और बजाय भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के विपक्ष को ज्यादा कमजोर कर रही। बहुत कम ही देखा गया है कि मायावती मीटिंग करती हैं, कभी कभी तो महीने भर बीत जाते हैं जब कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन मायावती शायद नई शुरुआत करती नजर आ रही। लेकिन इसका असर कितना होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विरोधी मायावती के सड़क पर न उतरने को मुद्दा बनाते हैं। पाएंगे जैसे समाजवादी पार्टी सड़क पर लड़ाई लड़ रही है, अखिलेश यादव सड़क पर आते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं लेके विधानसभा तक, ये हालत हो गई। एक MLA रह गया कुल। उत्तर प्रदेश में मोहम्मद की सरकार थी 2007 में और आज उसकी पार्टी का एक ही अकेले MLA रह गया, तो क्या हालत हो गई? पार्टी नहीं रही, अब तो खत्म हो गई। इनके कोई बयान हमें ऐसे नहीं दिखते जैसे वो पहले दिया करती थी, अब तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में बसपा को डाल, भाजपा को उन्होंने डाल रखा है, उसके खिलाफ मुखर हो के वो अब नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश में अपने को एकमात्र विकल्प के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में काफ़ी आगे निकल गई है, तो अब बसपा के लिए एक न केवल सपा को नुकसान पहुंचाना बल्कि उसके साथ साथ अपने की एक अलग पहचान बनाना भी ज़रूरी हो गया है। मैं समझता हूँ ये कोई बहुत आसान राजनीतिक काम नहीं है। विरोधी कुछ भी कहें लेकिन मायावती ने अपना प्लान सेट कर लिया है, वो लड़ेंगी भिड़ेंगी और ठान लिया है जीत कर दिखाएंगी। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत बड़े बदलाव करने होंगे और सबसे बड़ा बदलाव खुद पर से भाजपा की बी टीम बनने का ठप्पा है जो सपा बार बार चिपकाने की कोशिश करती है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। मायावती के लिए 2024 का चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। उन्होंने निकाय चुनाव के जरिए 2024 की तैयारी शुरू भी कर दी है। निकाय चुनाव का रिजल्ट ये तय करेगा कि बसपा का हाथी अभी कितना शक्तिशाली है और अगर निकाय चुनाव में मायावती का प्लान फेल हुआ तो ये उनके राजनैतिक भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।